हाय दोस्तों, आपके लिए कानाधार वीडियो लेके आया हूँ। इस बात होने की कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा जो कि 8 दिसंबर का। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में आपके लिए लाता रहो। और वीडियो को लाइक करना मत भूले, ताकि जितनी ज्यादा आप लाइक करेंगे वीडियो को तो इतना उससे ज्यादा मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूंगा। जिस तरह से आपका रिस्पांस मेरे को मिला, जहाँ से आपका रिस्पांस देखने को मिलेगा, तो जितना रिस्पांस आप मेरे को देंगे उससे आपको उतनी ज्यादा वीडियो देखने को मिल सकती है। एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का, अभी तक मैंने कोई टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो नहीं, सिर्फ व्यू डालता हूँ। लेकिन एक बार आप मेरे जो जो वीडियोज रहता है, मैं जो पोस्ट करता हूँ, उसको 50 या 100 के अबव लाइक्स कर दीजिए, तो जब जिस वीडियो को 50 या 100 के अबव लाइक्स हो जाएंगे तो मैं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डालना चालू करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने जो क्लोजिंग डेट 13,355 पे, और यहाँ पे देख सकते हैं 97 पॉइंट ऊपर की तरफ निफ्टी क्लोज हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो 31:19 यहाँ पे देखने को मिले। इसलिए पहले अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़े है और पुट राइटर सबसे ज्यादा खड़े है। यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी आने वाली है 10 दिसंबर की, उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहा हूँ और लगाया है यहाँ पे निफ्टी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11,355 पे यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग की। तो चलिए चलते ये 13,000 सॉरी 11 बोला सॉरी 13,350 13,350 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 13,400 का लेवल है। वहां पे देखे तो 21 लाख ओवर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 4,93,000 यहाँ पे पुट राइटर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि देखे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 13,500 का अपन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और वहां पे देखे तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। वहां पे 4,85,000 कॉल राइटर खड़े हुए, और वहाँ पे ओवर इंटरेस्ट देखे तो 30 लाख का देखने को। लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे, सपोर्ट 11,300 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है। और नीचे की तरफ ओवर इंटरेस्ट देखे तो 20 लाख का, 26 लाख का ओवर। तो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अपन के लिए 13,300 का लेवल रहेगा। कल अगर इंटरनेट में 13,300 के नियर आता है, वहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो अच्छा खासा बाइंग के लिए मौका फिर से ढूंढ सकते हैं। और अदरवाइज ऊपर की तरफ से आता है तो 13,000 का एक अच्छा खासा 13,300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखा कि कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, कहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाला। चलिए अभी चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 डे कैंडलस्टिक का पैटर्न लगाया है और 1 डे का चार्ट लगा। जैसे कि देख सकते अपन बहुत दिन से ये इस कैंडल का वेट कर रहे थे, इसके अबाव क्लोजिंग देखने को मिले, और यहाँ पे ये जो सेलर से यहाँ पे इसके अबाव यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले, और अच्छा खासा रैली अपन को यहाँ पे आज ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो अगर ऊपर की तरफ टारगेट क्या रख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे अपन देखने वाले। तो यहाँ पे इसको मैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे लगा देता हूँ, और 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अपन को एक सपोर्ट की तरफ देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ देखे तो एक रेजिस्टेंस है अपन के लिए। और जैसे कि देखे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ होता है, यहाँ पे अभी तक देखे तो यहाँ पे जो एक अच्छा खासा जोन क्रिएट हुआ है जो कि 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे अगर अपन ड्रॉ करें, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एक सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। तो इसी रेंज में यहाँ पे निफ्टी मतलब ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आती है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देख सकते हैं 250 का या 300 का, जैसे मैंने बताया, और यहाँ से रेड टेस्ट होकर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो 450 या 400 यहाँ पे देखने को मिले। फर्स्ट या 400 यहाँ से रेड टेस्ट होता है तो 450 या यहाँ पे ऊपर की तरफ 500 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो 13,250 का देखने को मिल रहा है, 300 का लेवल है जो कि कॉल राइटर्स यहाँ पे पुट राइटर्स सबसे ज्यादा है, तो ये 300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो लेवल है, इस तरह का चैनल अभी निफ्टी ने बना है, लेकिन जब ये चैनल ब्रेक करेगा, जब इन फ्यूचर यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इन आने अभी कुछ दिन आने वाले हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक मार्केट अच्छा ब्लिश मोमेंटम में चल रहा है, तो कहाँ ना कहाँ तो प्रॉफिट बुक करना होगा। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो वहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा, तो वहाँ पर पुट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा किस तरह से निफ्टी का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यहाँ पे चैनल बिल्ड किया है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं कि बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग थी एक अच्छी खासी क्लोजिंग थी, जो अपन को स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग चाहिए 30,200 का लेवल, और उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले। तो चलिए एक बार पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से एक बैंक निफ्टी का कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़े और यहाँ कहाँ पे पुट राइटर। तो यहाँ पे देखे तो 10 दिसंबर का यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस लिखा है बैंक निफ्टी का, और जैसे कि देख सकते हैं 30,200 का वो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली।
तो यहाँ पे तो 30,000 का 200 का लिया। तो ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे तो सबसे ज्यादा कॉल रेटर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉल रेटर देखे तो 30,500 के लेवल पे। और जैसे कि देख सकते हैं पुट राइटर से ज्यादा तो यहाँ पे कॉल राइटर खड़े हुए देखने को 30,300, 400 एंड 500 के लेवल पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो 30,500 के ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस रह सकता है। और तो सपोर्ट देखे तो 30,000 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को, यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है, यहाँ पे देख सकते हैं 4,07,000 यहाँ पे पुट राइटर देखने को, और सबसे ज्यादा ओ एंटर्स भी नीचे की तरफ देखने को। जैसे कि देख सकते हैं आज 30,000 के लेवल तक आया, उसके नीचे जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, वहां पे सस्टेन हुआ और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया 30,050 के अबव। एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं 5 या 10 मिनट में अच्छा खासा मोमेंटम ओपन ऊपर की तरफ जो कि 250 के लेवल तक लेके गया, और उसके बाद में 250 के बाद में 350 का यहाँ पे उसने टेस्ट किया। कल अगर आज का जो हाई है उसके अबाउट सस्टेन कर रहे तो डायरेक्टली वो 30,500 के लेवल तक जा सकता है। तो ऊपर की तरफ देखने के लिए ये जो लेवल है जो रेजिस्टेंस बात है वो आप नजदीक है, वो आप अपने ट्रेंड लाइन लगा के लिया वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, चार्ट लगा पहले। चलिए एक बार चार्ट पे भी चलते हैं बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसको मैं अगर आपको डार्क में करने के लिए ब्लैक कर दे तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, किस तरह से आई, अगर देखे तो पिछली बार यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हुआ करता था, तो अब अपने के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन जैसे कि देख सकते वो जो लेवल है 250 का, कल अगर 250 का वो यहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है उसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए क्या रहेगा तो अपन देखते हैं, यहाँ पे 15 मिनट कैंडलस्टिक का पैटर्न लगा था यार कि कैंडलस्टिक पैटर्न लगा था टाइम फ्रेम। और यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट के लिए यहाँ से जो ट्रेंड लाइन खींच के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएशन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन एक सेकेंड यहाँ पे, और यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा था, और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ उसने ब्रेक किया, और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा था ऊपर की तरफ। उसने जो ब्रेकआउट देना है अभी उसको ब्रेकआउट देना है, एक रेजिस्टेंस जोन था अभी उसके अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले, यहाँ पे कल सस्टेन कर देता है, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है अच्छा खासा मोमेंटम जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा इसको। फर्स्ट टारगेट तो अपना 350 का आज का जो हाई है ये वाला 350 का लेवल, इस 350 के लेवल के निकलता है तो डायरेक्टली अब उनको 500 के लेवल तक जाने को देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ देखें तो ये जो लेवल इंपॉर्टेंट मैंने बताई इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 30,250 के अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 350, और 350 को निकलता है आज के डे हाई को तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ 30,500 के लेवल तक देखने को मिल जाए। लेकिन नीचे के लिए सेलिंग के लिए देखें तो 30,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए, यहाँ पे इसके नजदीक ट्रेड मत कीजिए। अपन को ट्रेड करना है तो ये जो लेवल है जैसे कि शॉर्टिंग के लिए है जैसे कि 29,950 या 30 का लेवल, इसके अब नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसके अब नीचे जाना चालू करते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। लेकिन इस जो रेंज है इस रेंज में यहाँ पे फंस सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए। राउंड फिगर नंबर है 30,000 का, यहाँ पे बहुत बार इसे यहाँ से सेलर आए थे तो बायर्स अगर एप्टिएट होना है तो यहाँ पे उनको कंसोलिडेशन करना रहेगा, और अभी वो कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। कल के ट्रेनिंग सेशन में अगर कोई नीचे आते हैं तो यहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इस तरह से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके वो आपको मेरा वहाँ टेलीग्राम मेरा चैनल ड्रॉ मतलब ज्वाइन कर